फिल्म की शुरुआत तब होती है जब एक स्पेसशिप एक अनइनहैबिटेबल ग्रह के पास से गुजरता है। स्पेसशिप किसी अन्य प्लैनेट तक पहुंचने के लिए स्पेस में एक जंप पॉइंट का यूज करता है। ऐसा लगता है कि यह प्लैनेट बंजर है और यहां जीवन का कोई निशान नहीं है। हला प्लैनेट की क्री आबादी के नए लीडर डार बेन ये प्लैनेट में डिगिंग के कार्य करते हैं। वह एक क्वांटम बैंड रिट्रीव करती है और बैंड की शक्ति को फील करती है। डार बेन ने ये जोड़ी के दूसरे बैंड की बहुत तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। इस बीच न्यू जर्सी शहर में कमला खान को बैंड की जोड़ी के दूसरे आधे हिस्से को पहने हुए देखा जाता है। उन्हें ये बैंड पारिवारिक विरासत के रूप में मिला। कमला एक म्यूटेंट सुपरहीरो है जिसके पास क्वांटम बैंड की शक्ति से लाइट एनर्जी को फिजिकल मैटर में चेंज करने की शक्ति है। वह अपनी मुट्ठी के आकार को विशाल मुट्ठी में बदल सकती है और सुपर पावर का प्रदर्शन कर सकती है। कमला कैप्टन मार्वल को आदर्श मानती है और उसके और अन्य एवेंजर्स के साथ काम करने का सपना देखती है। कमला का एक प्यारा परिवार है जिसमें उनके पिता यूसुफ, माँ मुनीबा और भाई आमिर शामिल हैं। कैरल डैनवर्स जो कैप्टन मार्वल हैं अपने अतीत को याद करने की बहुत कोशिश करती हैं। फ्लैशबैक में वह एक वायलेंट संघर्ष और एनर्जी के एक्सपोजर में आती है जो उसे लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने और कैप्टन मार्वल बनने में सक्षम बनाती है। वह अपने पिछले जीवन के छोटे छोटे टुकड़े ड्रीम में देखती है और फाइनली अपने अंतरिक्ष यान में नींद से जाग जाती है। कैरोल के साथ उसका पालतू जानवर भी है जिसका नाम गूज है जो एक बिल्ली जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में फ्लेरकिन नामक एक एलियन स्पीशीज है। उसे निक फ्यूरी का फोन आता है जो SABER नामक अंतरिक्ष स्टेशन में रहता है जिसका पूर्ण रूप स्ट्रेटेजिक एयरोस्पेस बायोफिजिक्स और एक्सोलिंग्विस्टिक रिस्पॉन्स है। निक कैरोल को जंप पॉइंट सिस्टम में एनर्जी सर्ज के बारे में बताता है जो पूरे नेटवर्क को हिला देती है। कैरोल तुरंत इस तरह की गड़बड़ी के सोर्स पर इस तरह के डिस्टरबेंस के कारण की तलाश करने का काम में लग जाती है। मोनिका रामव्यू जिनके पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सभी वेवलेंथ को देखने और मैनिपुलेट करने की पावर है SABER स्पेस स्टेशन के पास जंप पॉइंट एनोमली की जाँच करती है। जैसे ही कैरोल और मोनिका दोनों जंप पॉइंट के ऑपोजिट एंड को छूते हैं वे दोनों कमला के साथ मिलकर टेलीपोर्टेशन के माध्यम से अपने पोजीशन से स्विच कर जाती है। इसका कारण ये है कि वे जुड़े हुए थे क्योंकि उन सभी में लाइट बेस्ड पावर है। मोनिका उस प्लैनेट पर पहुंचती है जहां जंप पॉइंट का सोर्स है। कैरोल कमला के घर पहुंचती है और कमला मोनिका के स्पेस सूट में अंतरिक्ष में पहुंच जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल ड्रिफ्टिंग करती है। जैसे ही कैरोल वापस उड़ने वाली होती है वह फिर से स्विचिंग के कारण वह ग्रह पर चली जाती है और क्री सैनिक उस पर हमला करते हैं। उसे पता चलता है कि क्री सुप्रीमो टारनेक्स ग्रह पर स्कल्स आबादी की ओर जा रही है। कैरोल अपने स्पेसशिप को टारनेक्स ले जाती है। स्विचिंग के कारण मोनिका स्पेस स्टेशन पर वापस चली जाती है और निक को जंप पॉइंट एनोमली के बारे में बताती है। स्विचिंग के कारण कमला अपने परिवार में वापस चली जाती है और उसे अपने परिवार को ये मिस्ट्री समझाने में कठिनाई का सामना करती है। क्री सुप्रीमो डार बेन ने टारनेक्स में स्क्रूल हेड ड्रोज के साथ पीस नेगोशिएशन करती है। वह बताती है कि हला प्लैनेट मर रहा है क्योंकि सिविल वॉर ने एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर दिया है। उनका कहना है कि उनका इरादा ब्रीदेबल एयर को टारनेक्स से हला तक ले जाने का है। टारनेक्स के रास्ते में कैरोल को क्री स्पेसशिप मिलता है। वह जांच करने के लिए वहां जाती है और फिर से स्विच हो जाता है। बिकॉज ऑफ द स्विच कमला को क्री अंतरिक्ष यान में ले जाया जाता है और क्री सैनिकों का सामना करना पड़ता है। वह ये देखकर भयभीत हो जाती है कि कैट गूज अपने टेंटिकल्स का यूज करके दो पूरे क्री सैनिकों को निगल लेता है। एक और स्विच हुआ और कमला कैट गूज के साथ वापस अपने घर पहुंच गई। कमला मोनिका के साथ पोजीशन बदल गई है जो अब क्री सैनिकों का सामना करती है। जैसे ही कमला अपने परिवार को सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है गूज सैनिकों को उगल देता है। सैनिकों ने इंस्टेंटली खान परिवार पर हमला कर दिया। कैरल सेबर स्पेसशिप टेलीपोर्ट हो जाती है। वह निक को समझाती है कि डार बेन ने एटमॉस्फेयर को चोरी करने के लिए एक वर्महोल बनाया है। एक और स्विच होता है और कैरोल खान परिवार के घर पर टेलीपोर्ट हो जाती है। जैसे ही वह क्री सोल्जर्स से लड़ती है कमला उसके साथ स्विच हो जाती है। एक मोमेंट में कमला फिर से मोनिका के साथ स्विच हो गई और क्री अंतरिक्ष यान में टेलीपोर्ट हो गई। अगेन इन द नेक्स्ट मोमेंट कमला फिर से स्विच हो गई और क्री सोल्जर्स के साथ सेबर अंतरिक्ष यान में टेलीपोर्ट हो जाती है। निक फ्यूरी कमला की कैपेबिलिटीज से इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि वह अपनी पावर का यूज करके क्री सैनिकों को न्यूट्रलाइज कर देती है। उसी समय कैरल क्री स्पेसशिप में क्री सोल्जर से लड़ती है। एक और स्विच होता है और मोनिका खान हाउस में क्री सोल्जर से लड़ती है। एक अन्य स्विच कमला को उसके घर वापस ले जाती है और मोनिका को सेबर स्पेसशिप में वापस ले जाती है। स्विचिंग प्रोसेस के एंड तक खान परिवार का घर सीरियसली डैमेज हो जाता है। निक और मोनिका कमला से मिलने उनके घर जाता है।
जैसे ही कमला अपनी पावर का शो करने की कोशिश करती है, वह फिर से कैरोल के साथ स्विच हो जाती है। मोनिका ने अपनी थ्योरी बताई कि जब उनमें से कोई दो एक साथ अपनी पावर का यूज कर रहे होते हैं, तो वे कुछ क्वांटम एंटेंगलमेंट के कारण स्थान बदल रहे होते हैं। कैरोल कमला की तलाश में उड़ती है, लेकिन बीच हवा में वह फिर से कमला के साथ बदल जाती है। कमला को एमए फ्री फॉल का सामना करना पड़ा। कमला को बचाने के लिए मोनिका पहली बार फ्लाई किया। मोनिका ने कमला को हवा में पकड़ लिया। कमला ने अपकमिंग ग्राउंड क्रैश से उन दोनों के बचाने के लिए चारों ओर एक गोलाकार ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन जैसे ही वह जमीन को छूती है, वह फिर से कैरोल के साथ बदल जाती है। कमला और मोनिका दोनों क्री स्पेसशिप तक पहुंचती हैं। डार्बेन उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन मार्वल आ जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। डार्बेन भाग जाती है। कैप्टन मार्वल, मोनिका और कैरोल उसका पीछा करते हैं। डार्बेन टार्नेक्स के एटमॉस्फेयर में एक वर्माहोल बनाती है और हला को फिर से सांस लेने योग्य बनाने के लिए हवा को हला में प्रवाहित करती है। कमला, मोनिका और कैरोल जितना संभव हो उतने लोगों की जान बचाए। कैरोल एस्कर्ट के अपने दोस्त की मदद लेती है और बचे हुए स्कल लोगों का रिहैबिलिटेशन करती है। डार्बेन हला के लोगों को इकट्ठा करती है और दोनों क्वांटम बैंड का उपयोग करके हला के सूरज को फिर से रोशन करने का इरादा व्यक्त करती है, भले ही इसके लिए उसकी जान चली जाए। उसे याद है कि कैसे कैप्टन मार्वल ने उनके खूबसूरत ग्रह को नष्ट कर दिया था जब कैप्टन मार्वल सुप्रीम इंटेलिजेंस नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नष्ट कर दिया था। कैरोल, मोनिका और कमला कैरोल के स्पेसशिप में मिलते हैं और वे द मार्वल्स नामक एक टीम बनाते हैं। कमला कैरोल और मोनिका को अपना क्वांटम बैंड दिखाती है और कहती है कि उसने डार्बेन के हाथ में एक ऐसा ही बैंड देखा था जो उसकी पावर का सोर्स है। वे सभी अपनी पिछली यादों को ताज़ा करने के लिए एक हेड बैंड पहनते हैं जिसे टॉर्चर बैंड कहा जाता है। निक खान परिवार को अपने अंतरिक्ष यान में ले जाते हैं। वे समझते हैं कि डार्बेन के जंप पॉइंट के बार बार टूटने से नेटवर्क में डिस्टरबेंस पैदा हो रही है और पूरे यूनिवर्स को खतरे में पड़ रहा है। कमला, मोनिका और कैरोल स्विच के दौरान कोऑर्डिनेशन से काम करने का प्रैक्टिस करती हैं। मार्वल्स टीम अलादना नामक वाटर बेस्ड प्लैनेट पर जाती है जहां डार्बेन पर अगला हमला करने का संदेह है। मोनिका और कमला ये जानकर आश्चर्यचकित हैं कि कैरोल ने प्रिंस यान से शादी की है। द मार्वल्स और अलादना सेना क्री सैनिकों के लिए तैयार हो जाती है। क्री स्पेसशिप जंप पॉइंट का उपयोग करके अलादना के वातावरण में आता है। क्री और अलादना साम्राज्य एक लड़ाई में शामिल हो गए। द मार्वल्स अलादना सेना का पक्ष लेते हैं। डार्बेन, मोनिका और कैरोल को मारने के लिए स्पेस हैमर का उपयोग करती है और अलादना में एक और वर्म होल बनाने की तैयारी करती है। मोनिका और कैरोल मिलकर डार्बेन को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर कमला अलादना सैनिकों के साथ मिलकर क्री के सैनिकों के खिलाफ लड़ती है। डार्बेन को पता चला कि दूसरा क्वांटम बैंड कमला के कब्जे में है। डार्बेन की क्वांटम बैंगल कैरोल की शक्ति को अब्सॉर्ब कर लेती है और भी पावरफुल हो जाती है और कैरोल और मोनिका को मार गिराती है। डार्बेन अलादना के वातावरण में एक और वर्म होल बनाती है और अलादना के सागर को हला में बहा देती है। कैरोल कैप्टन मार्वल का रूप लेती है और जितना संभव हो उतने क्री स्पेसशिप को नष्ट कर देती है। ये वर्म होल पूरे अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन नेटवर्क को अनस्टेबल एंड आउट ऑफ पावर कर देते हैं। निक ने सेबर अंतरिक्ष यान से इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए कॉल किया, लेकिन ये सभी के लिए पर्याप्त इवैक्यूएशन पॉड नहीं थे, इसलिए वह प्लान भी लेकर आए। निक ने गूस जैसी कई बिल्लियों को जन्म देने के लिए सभी फ्लेयर के नंडों को हैचिंग की व्यवस्था की। उसने बिल्लियों को क्रू मेंबर्स को खाने दिया और सभी को बचाने के लिए एक ही पॉड में बिल्लियों को निकालने की व्यवस्था की, क्योंकि वहां केवल एक ही काम करने वाला पॉड बचा था। डार्बेन ने अर्थ का सूर्य से लाइट एनर्जी चुराने के लिए एक और वर्माहोल बनाया। द मार्वल्स डार्बेन का पीछा करते हैं। निक खान परिवार और फ्लैकन बिल्लियों के साथ सेबर अंतरिक्ष यान को छोड़कर पृथ्वी की ओर बढ़ता है। अवैक्यूएशन पॉड पृथ्वी पर उतरता है और फ्लैकन बिल्लियां क्रू मेंबर्स को जीवित उगल देती हैं। चालक दल के सभी सदस्यों को निकालने के लिए निक की योजना सफल रही। द मार्वल्स डार्बेन को उसके स्पेसशिप में चुनौती देते हैं और उससे स्पेस हैमर छीन लेते हैं। वे डार्बेन से क्वांटम बैंगल छीनने के लिए उसके साथ भयंकर लड़ाई में एंगेज हो जाते हैं। डार्बेन क्वांटम बैंड में से एक की शक्ति से उनसे लड़ते हैं। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। द मार्वल्स उसे रोकने के लिए स्पेस हैमर का उपयोग करते हैं। मोनिका के मन में एक आइडिया आया कि कैरोल अपनी पावर का यूज करके हाला के सम की रिएक्शन शुरू कर सकती है। इन दिस प्रपोजल कैरोल और डार्बेन सहमत हैं, लेकिन जैसे ही कैरोल डार्बेन को फ्री करती है, डार्बेन कमला पर हमला करती है और उसे स्पेस हैमर का यूज करके फंसा लेता है और कमला को मारने की धमकी देती है।
डार्बेन कमला से क्वांटम बैंगल उतारती है और एज अर्ली एज पॉसिबल दोनों क्वांटम बैंगल्स पहन लेती है। जैसे ही डार्बेन शक्ति बढ़ाने के लिए चूड़ियों को एक दूसरे से टकराने की तैयारी करते हैं, कैरोल उसे रोकने के लिए कूदती है लेकिन सफल नहीं हो पाती है। डार्बेन चूड़ियों को एक दूसरे से टकराते हैं और एनर्जी का एक बड़ा उछाल आता है। डार्बेन ऐसी शक्ति से बच नहीं पाती है और विस्फोट कर जाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट की एंड हो जाता है, लेकिन पावर सर्ज के प्रभाव ने स्पेस टाइम की रियलिटी में छेद कर दिया। एक अलग रियलिटी इस रियलिटी से टकराने वाली है। वे टकराव को रोकने के लिए स्पेस टाइम रियलिटी का डैमेज की रिपेयर करने की योजना बनाती है। कमला दोनों चूड़ियां पहनती है। कमला और कैरोल एनर्जी उत्पन्न करते हैं और मोनिका पर अप्लाई करते हैं ताकि वह कंबाइंड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके। मोनिका को शक्ति का फील होता है और वह दरार के दूसरी ओर उड़ जाती है और छेद को बंद करने के लिए उसे वापस सिलने की कोशिश करती है। छेद बंद हो रहा है लेकिन मोनिका वहीं फंसी हुई है, निकल नहीं पा रही है। मोनिका कहती है कि उसने बलिदान दिया क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि वह वापस नहीं आ पाएगी। कैरोल मोनिका को बचाने के लिए उड़ान भरती है, लेकिन कैरोल के मोनिका तक पहुंचने से पहले छेद सील जाता है और मोनिका दूसरी तरफ फंस जाती है। कमला पृथ्वी पर वापस आने के लिए कैरोल का स्पेसशिप लेती है। कैरोल हाला प्लैनेट के पास जाती है। वह अपनी एनर्जी का यूज करके हाला का सन का कोर से रिएक्शन शुरू करने और हाला के सूर्य को पुनर्जीवित करने के लिए हाला के सूर्य से टकराती है। खान परिवार लुइजियाना सेटल करता है। कैरोल उन्हें समन अनपैक करने में मदद करती है। कमला एक टीम बनाने के लिए अन्य सुपरहीरो की तलाश करती है। कमला प्रस्ताव लेकर केट बिशप के पास पहुंची और वह सहमत हो गई। मिड क्रेडिट सीन में मोनिका एक पैरेलल यूनिवर्स में जागती है। मोनिका की मां मारिया का एक अल्टरनेट वर्जन वहां बैठी थी। मोनिका अपनी मां को देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाती है, लेकिन मारिया उसे पहचान नहीं पाती है। म्यूटेंट साइंटिस्ट डॉक्टर हैंक मैककॉय ने मोनिका को सिचुएशन से अप्राइज कराया। मोनिका निराश दिखी क्योंकि मारिया उसे पहचान नहीं पा रही थी।